की श्रद्धा और निंदा करने वाले निंदा कर कर के थक गए, लेकिन साधकों की सुप्रचार की आंधी ऐसी आई कि निंदकों की गंदगी उसमें बह गई। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। रामा भाई, रेखा दीदी, फिर सतीश भाई जी, उसके बाद करुणा भवन, कृष्णा भवन, जो भी वक्ता है आश्रम के, उनको सत्संग ही नहीं करना चाहिए। बापू जी जेल में हो, ये लोग सत्संग। ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। ये बात भी पक्की है कि यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। अरे निंदकों, कुछ तो होगा मेरे बापू में, वरना बापू की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। सत्संग को छोड़िए, बापू जी तो इन वक्ताओं को ये भी कह चुके कि इनको शिविर करना। सत्संग से तो कहीं ज्यादा आगे शिविर। ये मौज हर किसी को नसीब नहीं होती। सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का सानिध्य, सदगुरु का सत्संग। कहते हैं मौज हर किसी को नसीब नहीं होती, जिंदगी हर किसी की खुश नसीब नहीं होती। और जो रहते हैं बापू के दरबार में, जो रहते हैं सदगुरु के दरबार में, जो आ जाते हैं बापू के दरबार में, उनकी जिंदगी कभी बदनसीब नहीं होती, कभी बदनसीब। रामा भाई आगरा में शिविर गए, 3 दिन का शिविर था युवा सेवा संघ वालों का, उसमें 1 दिन बुलाया था। तो ये वक्ता अब सिर्फ सत्संग ही नहीं कर रहे हैं, बापू जी की आज्ञा से शिविर भी कर रहे हैं। तो ये सब बापू जी की आज्ञा। सबकी जीवन रूपी डोर हमारे बापू के हाथ में है, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। और हम सब को ये परम सौभाग्य मानना चाहिए कि इस कलिकाल में हमें बापू जी जैसे सदगुरु प्राप्त हुए। और साधक तो ऐसा ही कहता जैसे हनुमान जी ने कहा था, बार बार बर मांगूं हर्ष दियो श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग मुझे जीवन में। बस बार बार आपका सानिध्य मिले और आपका सत्संग मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही साधक कहता है कि बापू, अगर मुझे जन्म मिले तो बार बार आप मेरे गुरु रूप में मुझे प्राप्त हो और आपका सत्संग मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सत्संग नहीं करेगा तो क्या करेगा, आप बताओ? सत्संग नहीं करेगा तो क्या करेगा? वक्ता का तो रोल ही सत्संग। सरकार की तरफ से व्यसन मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं, लाखों लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों युवान व्यसनों की गर्त में जा रहे हैं और वो अपना शराब और नाना प्रकार के व्यसन करते हैं, छोड़ नहीं पाते। लेकिन बापू जी के सत्संग में अगर एक बार भी आ जाते हैं, कहते हैं एक बार जो दर पे आता है बापू, बस आपका ही हो जाता है। बापू जी का मैसेज पूरी दुनिया तक बताना वक्ताओं का काम है। बापू जी ने सेवा दे रखी है, अब हम किसी की थोड़ी दे सकते। संतों की नूरानी नजर उन पर प्रेम भरी दृष्टि पड़ती है, तो उनके दर्शन मात्र से, उनके सत्संग मात्र से कहना नहीं पड़ता और उनका व्यसन कैसे चला जाता है, वो भी बड़े आश्चर्य से। और कैसे लाखों लाखों भक्ति अनुभव बताते हैं। एक दीदी, ऐसा भी कुछ प्रचार होता है, जैसा भी रामा भाई का विषय निकला, इसलिए बता रहा हूँ कि रामा भाई, रेखा दीदी, फिर सतीश भाई जी, उसके बाद करुणा भवन, कृष्णा भवन, जो भी वक्ता है आश्रम के, उनको सत्संग ही नहीं करना चाहिए। बापू जी जेल में और ये लोग सत्संग कर रहे हैं, तो ऐसा एक ये भी मतलब एक सवाल, क्या मतलब क्या कहेंगे इसमें आप? सत्संग तो छोड़िए, बापू जी तो इन वक्ताओं को ये भी कह चुके हैं कि इनको शिविर करना चाहिए। सत्संग से तो कहीं ज्यादा आगे शिविर है। रेखा बहन तो कई बार बापू जी की आज्ञा से बहुत सारे आश्रमों में शिविर कर चुकी है। तरुणा बहन शिविर कर चुकी है। रामा भाई आगरा में शिविर, 3 दिन का शिविर था युवा सेवा संघ वालों का, उसमें 1 दिन मुझे भी बुलाया था। तो ये वक्ता अब सिर्फ सत्संग ही नहीं कर रहे हैं, बापू जी की आज्ञा से शिविर भी कर रहे हैं। तो ये सब बापू जी की आज्ञा से होता है, किसको कहाँ सत्संग करना। भी कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 साल पहले, बापू जी ने रामा भाई को और 3-4 और तरुणा बहन को, 3-4 और वक्ताओं को बापू जी ने आदेश दिया था कि तुम लोग मौन रहोगे। तो इन लोगों ने मौन भी रखा था 6 महीने का, बापू जी की आज्ञा से वो मौन था। और फिर बापू जी की आज्ञा से ही वो मौन उन्होंने खोला था, और फिर बापू जी की आज्ञा से ही उन्होंने कहाँ कहाँ जाके सत्संग देना है वो तय हुआ था। तो पूरी लिस्ट बापू जी की आज्ञा से बनती है कि किस वक्ता को किस जगह पे कितने बजे कहाँ सत्संग देना है, ये लिस्ट बापू जी की आज्ञा से तैयार होती है। आप और हम बैठ के तैयार नहीं करते, ना ही कोई संचालक तैयार करता है, ना ही वक्ता खुद करते हैं। वक्ता जो भी सत्संग करते हैं बापू जी की आज्ञा से करते हैं। इसलिए ये कह देना कि इन्हें सत्संग नहीं किया, मैं तो देख रही हूँ, मैं तो खुद रेखा बहन जी ने महिला आश्रम में एक वो शिविर किया था, बहुत अच्छा शिविर किया था, मतलब इतना बढ़िया शिविर था। उस शिविर में हर दिन बापूजी को रिपोर्ट जाती थी
कि आज शिविर में, मतलब छोटी सी क्लिपिंग हम भेजते थे, छोटी सी चिट्ठी कि इस दिन आज शिविर में ये हुआ ये हुआ, फिर बापू जी का मैसेज आता था कि अब कल शिविर में इतने बजे ये होगा और भोजन में ये देना है, नाश्ते में ये तय होता था बापू जी की आज्ञा से, तय होता था कि शिविर में बहनों को कब क्या खाना देना है, कब क्या पीना देना है। यहाँ तक कि एक बार हम लोगों ने शिविर हरिद्वार में करने का तय किया था, तो बापू बोले कि हरिद्वार में शिविर क्यों करना चाहते हो, तो हमने कहा कि वहाँ गंगा मैया है, तो बोले मैं गंगा मैया अहमदाबाद में ले आऊंगा। हमने कहा अहमदाबाद में गंगा मैया कैसे आ जाएगी, फिर भी हम चुप रहे। हमने कहा चलो ठीक है। रेखा बहन जी का शिविर था, एक हफ्ते का शिविर चला था उस दिन, और तीसरे चौथे दिन बापू जी ने थोड़ा सा जल भिजवाया था, इतना सा, और फिर वो वहाँ एक कुंड है, उस कुंड को बोला भर दो पानी से और उसमें जल डाल दो और उसमें स्नान करो। जब हमने उसमें स्नान किया तो ऐसी अनुभूति हुई जैसे हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। हम गंगा में जैसे जैसे नीचे ऐसे बैठते थे, थपाक से गंगा मैया ऊपर फेंकती है, वैसा फील हुआ, और एक को नहीं सबको फील हुआ। हमने कहा ये क्या हुआ, सच में गंगा मैया आ गई, और लोग अपना छोटे छोटे बॉटल में वो गंगा का जल भर के भी लेके गए, और उन्होंने वैसे ही, मतलब वैसे ही अनुभूति हुई जैसे हम गंगा मैया के यहाँ से जल लाते हैं ना, गंगा जल, वैसे लगा कि हम वो गंगा जल लेकर आ रहे हैं। तो हर शिविर में बापू जी की आज्ञा से होता है, हर सत्संग बापू जी की आज्ञा से होता है, और यहाँ तक कि कई बार सूक्ष्म रूप में बापू जी वहाँ आते भी हैं, और ये कई साधकों ने महसूस किया है, मैंने स्वयं महसूस किया है, मैं अपनी अनुभूति आपको बता रही हूँ। तो ये कह देना कि भाई इनको ये नहीं करना, अब वो वक्ता सत्संग नहीं करेगा तो क्या करेगा, आप बताओ, सत्संग नहीं करेगा तो क्या करेगा, वक्ता का तो रोल ही सत्संग करना है, बापूजी का मैसेज पूरी दुनिया तक बताना वक्ताओं का काम है, बापूजी ने सेवा दे रखी है उनको, अब हम किसी की सेवा थोड़ी ले सकते हैं। वे लोग चाहते हैं कि सब वक्ता काला कोट पहन के कोर्ट में खड़े हो जाए जोधपुर के, ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा चाहते हैं शायद वे सब। देखिए उनकी चाहने से तो हम नहीं चल पड़ेंगे, उनके चाहने से ना आज तक दुनिया चली है ना अब चलेगी, ये तो हमारा अपना तय है, बापूजी की इच्छा से जो होता है वो। हमारी अमरावती की योगिता बन कह रही है आपसे कि दीदी आपका बापूजी के बारे में बोलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो सबको लगता है। बापूजी ने सेवा दी है, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हर आदमी अपनी सामर्थ्य से सेवा करता है, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं मेरी सेवा ठीक से कर सकूँ, और सब अपनी सेवा करते हैं, सब अच्छे करते हैं। मैं देखती हूँ जब मैं महिला आश्रम में जाती हूँ, वहाँ मेरे को एक दिन एक लड़की मिली, उसका नाम था, छोटी सी पतली दुबली सी लड़की थी, तो उसने भोजन नहीं किया। मैंने कहा तुम भोजन क्यों नहीं कर रही, बोली बापू जब से जेल गए हैं तब से मैंने भोजन छोड़ दिया है, अनाज छोड़ दिया है, और अब अनाज वो तब लेगी जब बापू जेल से वापस आएंगे। वो महिला आश्रम में रहती दुबली पतली लड़की, और इतनी सेवा करती है, वो इतनी सेवा करती है, दिन रात सेवा करती है, और उसने तब से देखो 2013 से आज 2021 आ रहा है, अनाज नहीं लिया उस लड़की ने। ऐसे ऐसे भी योगी हमारे आश्रम में है, और एक लड़का अहमदाबाद आश्रम में मुझे मिला, वो तब से मौन है, जब बापूजी जेल मंदिर गए आज तक उसने एक शब्द नहीं बोला, ओम भी नहीं बोला है, चुप, एकदम चुप है, वो अपना मौन तब खोलेगा जब बापूजी जेल से बाहर आ जाएंगे। ऐसे ऐसे साधक मैंने देखा, किसी ने भोजन नहीं किया है, किसी ने अन्न लेना छोड़ दिया है, कोई पैसे को हाथ नहीं लगाता, किसी ने अपनी फेवरेट चीज छोड़ दी है, जब बापू आएंगे तब लेंगे। तो ऐसे तपस्वियों के खिलाफ बोलना सोचना मुझे लगता है अपना ही पाप बढ़ाना है, वो हमें नहीं करना चाहिए।